नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंचानन, आपके फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हैं तो उस पेटीएम वॉलेट से आप कैसे रेल की टिकट बना सकते हैं, उसका सारा तरीका हम बताने वाले हैं आपको। तो हमारी आज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे वाला हमारा जो हेल्पफुल वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और लाइक की बटन भी दबा दीजिएगा, उससे हमें खुशी मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो आपको दिखाने वाले हैं कि पेटीएम से हम कैसे रेल की टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने जैसे पेटीएम वॉलेट ओपन किया, यहाँ पे बहुत सारे के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप इसे शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ मॉल की शॉपिंग, किसी तरह के सामान आप खरीद सकते हैं इससे, पेटीएम से। इसमें बहुत सारे ऑफर्स भी चलता है आपको। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। ये देखिए, वॉलेट ओपन करते ही हमारा ये जो पहला जो सारे ऑप्शन दिखा रहा है, मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड, प्रीपेड, इलेक्ट्रॉनिक बिल, डीटीएच और मूवी टिकट, मेट्रो टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट्स, देख रहे ना। तो ये जो ट्रेन टिकट्स है, आप इसमें क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करते ही इस तरह की इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो सर्च बटन है यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जर्नी डिटेल्स भरना है, आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले भरना है जहाँ से आप जर्नी शुरू करेंगे, और यहाँ पे भरना है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम भर देते हैं, हम न्यू दिल्ली से जाना चाहते हैं। चलिए न्यू दिल्ली हम डाल दिया। उसके बाद जहाँ पहुँचने का है वो जगह ये इस तरीके से आएगा, ये हावड़ा जाना चाहते हैं। और यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करना है। तो डेट कैसे सिलेक्ट करेंगे, चलिए हम कैलेंडर सिलेक्ट करते हैं। चलिए हम पिछले कुछ दिन पीछे की ओर या आगे की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम मई की 4 तारीख एक चूज़ कर लिया, किसी की टिकट बनाना है। तो हम यहाँ से हम क्लिक कर लिया मई की 4 तारीख को। उसके बाद हमें सर्च करना है, यहाँ पे देखिए, सो बोथ नॉन एसी एंड एसी कोचेस। हमें हर तरह के यहाँ दिखाई देगा कोच। चलिए सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद उस तारीख में जितने भी ट्रेन चलता है उसका सारा डिटेल्स आएगा, किस में कितना सीट है नहीं है, और जितने जो जिसमें सीट है अवेलेबल वो दिखाई दे रहा है। वहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए मान लीजिए हमें हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में हमें जर्नी करना है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 202 सीट है। अभी हम इस अवेलेबल वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट यहाँ सर्च होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हमारा नेट थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, इसलिए अगर आपका नेट थोड़ा स्पार्ट चलता है तो फास्ट चल वो इसमें सर्च हो जाएगा।
देखिए ये स्लीपर क्लास बता रहे हैं, थर्ड टीयर सेकंड टीयर। देखिए यहाँ पे पिछले हम 4 तारीख को देखना चाहते थे, 4 तारीख को बुक करना है हमें, लेकिन आगे की ओर 7, 11, 14, 18, 21 पूरे अगले 7 जर्नी के डेट जो है वो आपके पास सारा खुल गया है उस गाड़ी के दिन। तो उस गाड़ी में अगर आपको 4 तारीख को सीट नहीं मिलता है तो आपको अगले डेट को चूज़ करना है, तो वो कर सकते हैं। देखिए हमें ये 4 तारीख को यहाँ क्लिक कर दिया हमने। देखिए अब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो कि IRCTC से आप रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं। आपका IRCTC जो यूज़र आईडी है वो वाला यहाँ पे भरना है। अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो ये नीचे वाला देखिए रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर न्यू IRCTC अकाउंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, आपके पास कोई यूज़र आईडी नहीं है तो आपके पास इस तरीके इंटरफेस आएगा। और यहाँ से देखिए आपका जो सारा डिटेल्स है वो यहाँ पे भर के साइन अप करना है। ओके दोस्तों, तो मेरे पास ऑलरेडी यूज़र आईडी है तो हम उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आपको बताने वाले हैं किस तरीके से हम पेटीएम से टिकट बुक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। चलिए यहाँ इसके बाद यूज़र आईडी जैसे हमने लॉगिन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है मेल फीमेल फुल नेम एज नो चॉइस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे फूड प्रेफरेंस मतलब ये सीट के बारे में बताया जा रहा है, कौन सा सीट चाहते हैं, और ये फूड के बारे में बता रहा है नॉन वेज वेज। ठीक है, आपको अगर एक बंदा है तो आप एक बंदे की यहाँ पे भर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा और भी होता है तो आपको एड एडल्ट 5 इयर्स प्लस इसमें क्लिक करके और बंदे के नाम जोड़ सकते हैं। चलिए हम एक नाम ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास पूरा फॉर्म भरा हुआ है, तो हमने पहले इसका नाम सेलेक्ट कर दिया मेल एज नेम लॉयर बात कर दिया, फूड प्रेफरेंस में नॉन वेज कर दिया। ठीक है, ओके हम अब डन करेंगे। डन करने के बाद आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर है वो ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, आपका पेटीएम मोबाइल नंबर। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपके पैसेंजर है उसका मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, या तो आपको ईमेल आईडी चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सॉरी, आप अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, अगर 2 पैसेंजर है 3 पैसेंजर है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके साथ एक बच्चे भी है या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो वो उसके लिए यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके उसका नाम डिटेल्स जो भी है भरना है। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगर दूसरा पैसेंजर के नाम डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, फुल नेम किसी एक नाम और चूज़ कर लिया, लोअर बर्थ और आपका नॉन वेज, ये हो गया। अब डन कर देते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 पैसेंजर हो गए, 1 2। अगर एक पैसेंजर को हटाना है वो भी यहाँ जो क्रॉस बार है इसको काट कर सकते हैं।
चलिए प्रोसीड टू बुक इसमें क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे इसका पूरा फेयर चार्ज कितना है वो सारा आ गया यहाँ पे 2410 रुपये। ओके, अब आपको क्या करना है, आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आप यहाँ प्रोमो कोड डाल दीजिए जिससे आपको कुछ छूट भी मिल सके। आपको पहले ही देख लेना पड़ेगा आपके पेटीएम में क्या क्या ऑफ़र चल रहा है। अगर रेलवे टिकट की कोई ऑफ़र के प्रोमो कोड दे रखा है तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको ये पेटीएम नंबर जो है और पासवर्ड जो है उससे आपको यहाँ के डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। हम क्लिक कर दिया और उसके बाद हम पे टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब इस तरीके की इंटरफेस आएगा, पे टू प्रोसीड प्लीज वेट। अब देखिए आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास पेटीएम में पैसे हैं, बैलेंस है, तो आप वहाँ से दे सकते हैं, या तो आपका पेटीएम डेबिट कार्ड आपको है तो वहाँ से आप दे सकते हैं। ओके दोस्तों, और नहीं है तो दूसरा किसी भी बैंक की एटीएम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या तो किसी नेट बैंकिंग के ज़रिए आप काटना चाहते हैं टिकट, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट से पैसे देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आप दे सकते हैं और पे सिक्योरली इसमें क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, जैसे पे सिक्योरली इसमें क्लिक करेंगे, मैं तो टिकट नहीं बना रहा हूँ, जैसे क्लिक करेंगे ये CVV नंबर और आपका क्या कहते हैं इसका वैलिड अप टू जो डेट होता है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको पे सिक्योरली इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपका पे सिक्योरली पे जैसे क्लिक करेंगे आपका टिकट बन जाएगा, आपके वॉलेट से पैसे कट जाएगा और टिकट बन जाएगा। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।